अगर आप YouTube पर थोड़ा सा भी एक्टिव हैं तो कैरी मिनाटी यानी कि अजय नागर को अच्छे से जानते होंगे। हाल ही में वह इंटरनेट पर तब हॉट टॉपिक बने थे जब उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो यूट्यूबर से टिकटॉक द इंड में टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया था। इस वीडियो ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। यह वीडियो भारत का सबसे अधिक लाइक किए जाने वाला वीडियो भी बन गया था। अब कैरी और उनका वीडियो फिर से ट्रेंडिंग है। इस बार वजह वीडियो को हटाया जाना है। दरअसल YouTube ने कैरी मिनाटी के यूट्यूबर से टिकटॉक वीडियो को गाइडलाइंस के खिलाफ मानते हुए अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। अब कैरी के वीडियो लिंक पर क्लिक करने पर दिस वीडियो हैज बीन रिमूव फॉर वॉलंटिंग YouTube पॉलिसी ऑन हरेसमेंट एंड बुलिंग मैसेज लिखकर आता है, यानी कि इस वीडियो को YouTube की हरेसमेंट और बुलिंग पॉलिसी के खिलाफ पाए जाने के कारण हटा दिया गया है। पिछले महीने भर से इंटरनेट पर दो कम्युनिटीज के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इसका नाम है YouTube वर्सेस TikTok या यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। इसकी शुरुआत एक और रोस्टिंग यूट्यूबर एल्विस यादव ने एक वीडियो के जरिए की थी। सबसे पहले एल्विस यादव ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने कुछ नामी टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था। इनमें लड़कियां भी शामिल थी। उस रोस्ट के बाद कई लोगों ने एल्विस यादव को गलत ठहराया। उसके बाद कई और लोगों ने टिकटॉक कम्युनिटी को रोस्ट किया। मामले तब आगे बढ़ा जब बड़े और नामी टिकटॉकर टीम नवाब के आमिर सिद्दीकी ने एक IGTV वीडियो अपलोड किया और उसमें YouTube और TikTok के बीच कई बातों को लेकर तुलना की। इसमें उन्होंने ऐसे कई फैक्ट्स रख दिए जो यूट्यूबर्स और फैंस को पसंद नहीं आए। आमिर के वीडियो के बाद भारत में रोस्टिंग कल्चर लाने के लिए पहचाने जाने वाले कैरी ने अपना वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया। इसमें कैरी ने गालियों का भी इस्तेमाल किया। इस वीडियो को अपलोड करने वक्त कैरी मिनाटी के चैनल पर 10.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे, जो कि वर्तमान में 16.5 मिलियन से अधिक है। इस वीडियो ने पूरे यूट्यूब को हिला डाला। वीडियो पर 60 मिलियन से अधिक व्यूज और 10 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले। इसके साथ यह वीडियो भारत का सबसे अधिक लाइक पाए जाने वाला वीडियो बन गया। अपलोड होने के 5 दिन बाद YouTube के वीडियो को यह कहकर हटा दिया गया कि यह उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ है, जिसके बाद से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जस्टिस फॉर कैरी ट्रेंड कर रहा है। कैरी मिनाटी के फैंस ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर YouTube को खरी खरी सुना रहे हैं। यहां आपको बता दें कि YouTube ने केवल कैरी ही नहीं बल्कि बाकी रोस्टर्स एल्विस यादव और लक्ष्य चौधरी के टिकटॉक रोस्ट वीडियो को भी अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। कैरी मिनाटी यूट्यूबर चैनल चलाने वाले लड़के का नाम अजय नागर है। 20 साल का अजय नागर फरीदाबाद का रहने वाला है। कैरी शुरू से ही कई बड़े एक्टर्स की मिमिक्री करता रहा है। अपने इस पैशन के कारण उसने अपनी 12वीं की परीक्षा भी छोड़ दी थी। फिलहाल वह ओपन स्कूलिंग के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला YouTube चैनल बनाया, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं हुआ। असफलता से हार नहीं मानी और फिर एक नया YouTube चैनल बनाया जिस पर वह कई स्टार्स की मिमिक्री करते थे। कैरी ने इसका नाम रखा सनी देओल। बाद में इसको बदलकर कैरी देवल कर दिया गया। वह चर्चा में तब आए जब उन्होंने जाने माने यूट्यूबर भुवन बाम को रोस्ट किया था। इसके बाद उनके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़े। फिलहाल वह भारत के जाने माने यूट्यूबर्स में एक हैं। यहां तक कि साल 2019 में नामी मैगजीन टाइम्स ने उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 की लिस्ट में जगह दी थी। कैरी का एक और चैनल है कैरी इज लाइव। इस चैनल पर कैरी रोज लाइव आकर गेम खेलते हैं और चिट चैट करते हैं। टीम टुडे बिहार न्यूज़।